गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज 5 सितंबर को सबसे पहले मैं सभी शिक्षकों, शिक्षिकाओं और विद्यार्थियों को मेरी तरफ से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि शिक्षक दिवस हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर के रूप में मनाया जाता है। आपने 40 वर्ष तक एक शिक्षक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया था। जब ये भारत के उपराष्ट्रपति बने तो इनके जो रिलेटिव थे या इनके जो शिष्य थे, इन्होंने इनसे कहा था कि हम आपके जन्म दिवस को किसी रूप में मनाना चाहते हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि अगर आप मेरे जन्मदिन को एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं तो मुझे खुशी होगी। तब से लेकर यानी कि 1962 से लेकर आज तक 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। वैसे शिक्षक दिवस अकेले भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में मनाया जाता है। अगर पूरी दुनिया की बात करें, वर्ल्ड की, तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। अलग अलग कंट्री की बात करें तो यूएसए के अंदर, अमेरिका के अंदर मई महीने के प्रथम मंगलवार को मनाया जाता है। थाईलैंड के अंदर 16 जनवरी को, ईरान में 2 मई को, टर्की में 24 नवंबर को, मलेशिया में 16 मई को, चाइना में 10 सितंबर को, रशिया में 5 अक्टूबर। ऐसी करके दुनिया के हर देश के अंदर शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जो अलग अलग टाइम पे मनाया जाता है। एक मुझे लाइन याद आ रही है जो हमारे शास्त्रों के अंदर भी लिखी हुई है, गुरुर वर्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु नमः। गुरु का दर्जा भगवान के बराबर माना जाता है। वे भगवान के बारे में हमें जानकारी गुरु ही देता है, गुरु ही हमें सही और गलत की राह दिखाता है। माता पिता हमें जन्म देते हैं, लेकिन सही गलत का फर्क हमें गुरु बताता है। जरूरी नहीं कि आप विद्यालय में जाकर किसी से सीखें, आप जिंदगी में किसी से भी कुछ सीखते हैं वो आपका गुरु है। आपको किसी ने भी कुछ सिखाया है वो गुरु है। मां आपका पहला गुरु होती है। तो इस हिसाब से गुरुओं का दर्जा भगवान से भी ऊपर माना जाता है। गुरु की व्याख्या के अंदर किसी ने लिखा है कि सब धरती कागज करूं, लिखनी सब बन राय, सात समुन्द्र की मसी करो, गुरु गुण लिखा न जाए। कहते हैं कि पूरी धरती को कागज बना लिया जाए और जितने भी पेड़ हैं उनको कलम बना ली जाए तो भी गुरु की महिमा, गुरु का गुणगान लिखना पॉसिबल नहीं है। गुरु अपने जीवन में स्वयं जलता है और दूसरों को प्रकाशित करता है। इस बार शिक्षक दिवस हम मना नहीं पाए क्योंकि कोरोना की वजह से, लेकिन आप जहां भी हो सुरक्षित रहें, सजग रहें, जानकार रहें और जिंदगी यूं ही चलती रहेगी। इस बार नहीं तो अगली बार मनाएंगे, लेकिन आप अपने अपने गुरुओं को एक बार विश जरूर करना क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के बहुत सारा समय आपके लिए गुजारा है, आपके बीच में गुजारा है। यही मेरी आशा है, उम्मीद है। धन्यवाद।